सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलवामा से तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया और तीनों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। सुरक्षा बल तीनों से पूछताछ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में आपको बताएं कि पुलवामा से ही तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं और सुरक्षा बल तीनों से पूछताछ कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, मौके से भारी संख्या में हथियार बरामद हुए। इससे पहले आपको याद होगा कि बारामूला में भी भारतीय सेना की तरफ से इस तरीके से जो है चेकिंग की गई थी ताकि जल्द से जल्द उन संदिग्धों को पकड़ा जा सके। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर से लाइव जुड़ गए हैं। रिफत, ये तीनों जो आतंकी पकड़े गए हैं कौन से टेररिस्ट आउटफिट से अभी तक कोई निकल के सामने आया है? देखिए अंकिता, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है लेकिन पुलवामा के एरिया में जो है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि तीन लोग हैं जिनके पास हथियार है और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दो पिस्टल उनके कब्जे से बरामद किए गए हैं और आर्मी ने जो प्रेस नोट भेजा और उन्होंने कहा कि पोटेंशियली डेंजरस मटीरियल भी उनके पास से बरामद किया गया है। अभी बाकी डिटेल्स आनी है लेकिन जिस तरीके से लगातार कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं खासतौर से साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं जो नेटवर्क है पुअर ग्राउंड वर्कर्स का उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और कहीं पर भी अगर कोई मिलिटेंट संगठन के साथ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जाती है। लेकिन ये जो पुलवामा में इस वक्त कार्रवाई की गई, अभी ये कार्रवाई चल रही है, अभी पूछताछ की जा रही है। तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है जो समझा जा रहा है कि तीनों वर्कग्राउंड वर्कर्स हैं मिलिटेंटों के। किस संगठन के साथ वो काम कर रहे थे, किन मिलिटेंटों के साथ वो काम कर रहे थे, अभी इसकी डिटेल नहीं आई है क्योंकि दो पिस्टल जो है वो रिकवर किए गए हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से या पाकिस्तान से वो सामान आया था जिसको रिकवर किया गया है, तो पूछताछ आर्मी और पुलिस लगातार कर रही है। बिल्कुल रिफत, नजर बना के रखिएगा, फिर लौटेंगे आपके पास तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर एक और बड़ी खबर बता दें, पुंछ आतंकी हमले में पाकिस्तान चीन गठजोड़ की बड़ी भूमिका पर पर्दाफाश हुआ है। और खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले में चीन में बने हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ ही PAFF और TRF जैसे शैडो आतंकी संगठन चीन में बने उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जानकारी कल ही आपको न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले दी थी कि जिस तरीके से पुंछ में हमला हुआ उसमें चाइना कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है। बताया ये भी गया कि पुंछ हमले में भी चीन में बने हथियार, बॉडी सूट, कैमरे और कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। यानी कि इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि पाकिस्तान चाइना स्पॉन्सर्ड वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा था हिंदुस्तान के खिलाफ। तो देखिए, ये पहली बार नहीं है जबकि आतंकी हमले में चाइना में बने उपकरण का इस्तेमाल होने का दावा किया गया हो। हालांकि इससे पहले भी बात करें तो खुफिया एजेंसियां आतंक पर पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ का कई बार पर्दाफाश कर चुकी है। आइए आपको उन उपकरणों के नाम बताते हैं जो भारत में काराना हरकत में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कौन कौन से ऐसे वेपन्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले स्नाइपर गन और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, देखिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है आए दिन जिसकी खबरें आती हैं वो है ड्रोन और दूसरा है बॉडी कैम जिसका इस्तेमाल लगातार आतंकवादी भारत में अशांति फैलाने के लिए कर रहे हैं। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन डिवाइस का भी आतंकी आपस में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम वो चीनी निर्मित उपकरण आपको बता रहे हैं जिनका इस्तेमाल जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान की ओर से चाइना स्पॉन्सर्ड वेपन का हिंदुस्तान के खिलाफ उपयोग करने की कोशिश की गई हो या फिर उपयोग किया गया हो। हाँ जी बिल्कुल, और इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अब चीन निर्मित जो तकनीक है, चीन निर्मित हथियार है, चीन निर्मित उपकरण है, पाकिस्तान की सेना लगातार इनको मुहैया करवाती है आतंकी संगठनों को और उसी का इस्तेमाल यह भारतीय व्यवस्था के खिलाफ करते हैं। और इस साल में जो तीन बड़े हमले हुए हैं उनमें यही गठजोड़ सामने आया है। हालांकि भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इस गठजोड़ को लेकर पूरी तरीके से सतर्क हैं और रणनीति तैयार कर रही हैं, लेकिन लगातार पाकिस्तान की ओर से यह कोशिश जारी है। बकायदा साइबर विंग का पाकिस्तान आर्मी में गठन किया गया है जिसको पूरी मदद चीन की तरफ से मिलती है और यही साइबर विंग है जो आतंकियों को घुसपैठ कराने में मदद करता है। और इस तरीके के जब हमले होते हैं तो संवाद, जो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, इनक्रिप्टेड जो कम्युनिकेशन होता है यह पाकिस्तानी सेना की साइबर विंग के जरिए होता है और साइबर विंग को जो निर्मित किया है वह चीनी तकनीक ने निर्मित किया। तो बड़ा गठजोड़ है, भारत के लिए बड़ा
खतरा है और हमारे देश की जो सुरक्षा खुफिया एजेंसियां हैं उसी के मुताबिक रणनीति तैयार कर रही हैं। जी बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से पुंछ में आतंकवादी हमला किया गया, भारतीय सेना को निशाना बनाया गया, इसमें चीन एंगल भी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि देखिए जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया था वो मेड इन चाइना थे। ये पहली बार नहीं है जब मेड इन चाइना के हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया। और वही खुफिया एजेंसी ने आतंकवाद पर चीन और पाकिस्तान गठजोड़ पर कई बड़े खुलासे किए हैं। आपको ये बताते हैं कि आतंकी किस तरह से उन उपकरणों से भारत में कायराना हरकत को अंजाम देने की फिराक में जुटे रहते हैं, वो कौन कौन से हथियार हैं। देखिए चीन में बने हुए स्नाइपर गन का इस्तेमाल आतंकी भारत के अंदर आतंक फैलाने के लिए करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से भारतीय जवानों को निशाना लगातार बनाया जाता रहा है और अब तो पता चल ही चुका है कि कैसे चाइना इसकी फंडिंग कर रहा है। नवंबर में इसी हथियार से जवानों को निशाना बनाया गया था, स्नाइपर गन, जिससे बड़ा सटीक निशाना लगता है। और हमले के बाद चीन में बने हुए कैमरे से बाकायदा तस्वीर लेते हैं ये आतंकी और चीन की तकनीक से फोटो को मॉर्फ किया जाता है ताकि लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा की जा सके। देखिए 2023 में तीन हमलों में PAFF और TRF ने तस्वीर जारी भी की थी जो कि इन्हीं कैमरे की मदद से ली गई थी। इसके अलावा कम्युनिकेशन डिवाइस की अगर हम बात करें तो इंस्क्रिप्टेड मैसेजिंग डिवाइस का इस्तेमाल ये करते हैं ताकि पकड़ में ना आ सके। फोन से बात करेंगे तो पकड़ना आसान हो जाएगा। चीन के मैसेजिंग डिवाइस ये हैं और इन्हीं का इस्तेमाल आतंकियों की तरफ से किया जाता है। साथ ही इसी डिवाइस के जरिए आतंकी आपस में बात करते हैं और साथ ही अपने आका तक भी तमाम मैसेज, तमाम बातें पहुंचाते हैं। तो इस तरह से बाकायदा चीन की तरफ से इन हथियारों का, इसके अलावा कम्युनिकेशन डिवाइस का अब आदान प्रदान किया जा रहा है, पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है चाइना। तो वहीं भारत में नापाक हरकतों को अंजाम देने में चाइना, पाकिस्तान और आतंकियों का मददगार साबित हो रहा है। लेकिन खुफिया एजेंसी ये दावा किस आधार पर कर रही है वो एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए चाइना से पाकिस्तानी सेना को सैन्य उपकरण दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तानी सेना का को ड्रोन, हैंड ग्रेनेड के साथ साथ कई हथियार देता है। पाकिस्तान की सेना इन हथियारों को आतंकी संगठन को आगे भेज देती है। इतना ही नहीं, पाक सेना खासकर POK में मौजूद आतंकवादी संगठनों को ये हथियार मुहैया कराती है जिनका इस्तेमाल भारत में घुसपैठ और आतंकी हमले के लिए भी किया जाता है। और इसी दौरान चीन से मिले हथियारों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चालबाज चाइना और पाकिस्तान के इन हरकतों पर भारतीय एजेंसियों की पूरी पूरी नजर बनी रहती है और यही वजह है कि भारतीय सेना पाकिस्तान और आतंक को गठजोड़ पर लगातार प्रहार कर रखी है। चीन लद्दाख से भारतीय सेना का ध्यान भटकाने की कोशिश में लगा रहता है। दावा तो ये भी किया जाता रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में भारत को व्यस्त रखने की लगातार कोशिश की जाती है। लेकिन भारतीय सेना लद्दाख और जम्मू में पूरी तरीके से मुस्तैद रहती है, अलर्ट रहती है और यही वजह है कि भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब लगातार दे रही है। इसके साथ ही चाइना पाकिस्तान गठजोड़ को नाकाम करने के लिए भारत ने सिक्योरिटी ग्रिड भी बना रखी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप बो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज हुई जिसको लेकर कल आर्मी चीफ भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन चीन का अब जब नाम निकलकर सामने आ रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार या मोदी सरकार का क्या टेक है? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि चीन और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड है। ऑल वेदर फ्रेंड यानी कि दुनिया में किसी भी देश के साथ कुछ भी तरीके की दिक्कतें हो जाए, ये दोनों देश एक दूसरे की मदद करना नहीं छोड़ेंगे और दोनों ही देश भारत के पड़ोसी हैं और भारत के दुश्मन हैं। ऐसे में चाइना लगातार उनकी सामरिक शक्तियों को बढ़ा रहा है, ना सिर्फ एयरफोर्स ना फिर मतलब तीनों फोर्सेस को वो इक्विप कर रहा है और उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। छोटे छोटे जो डिवाइस जितने भी टेररिस्ट यूज़ करते हैं अमूमन वो सारे डिवाइस जो है वहाँ की फौज अपने लिए खरीदती है और उसके बाद ये आगे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये जो गठजोड़ है ये बहुत पुराना गठजोड़ है और भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ हर एक चीज़ पर नज़र रखती हैं और इसी वजह से हमारा जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया है। चाइनीज़ जो मटेरियल आपने देखा होगा, जितने भी ड्रोन्स वहाँ से भेजे जाते हैं, ड्रोन्स के जरिए हथियार भेजने की कोशिश की जाती है या ड्रग्स भेजे जाते हैं, वो भी चाइनीज़ ड्रोन ही होते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए तो वो गलत नहीं, और ख़ास तौर पे कि सामरिक चीज़ों के लिए। और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में ये इक्विपमेंट, ये गैजेट्स जिनका इस्तेमाल आतंकी करते हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी भी मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा
बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन भारत को पता है कि टू फ्रंट वॉर की स्थिति में किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। छद्म युद्ध जो है वो पाकिस्तान लंबे समय से लड़ता आ रहा है, वो लगातार आतंकियों को भेजकर इस तरीके की गतिविधियों का अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार की तरफ से बिल्कुल जो टेररिज्म है उसको लेकर नीति बिल्कुल साफ है कि उसको किसी भी तरीके से बढ़ने नहीं दिया जाएगा।